वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है आकाश सिंह जी ने और वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया इज सो ग्रेट, भारत महान क्यों है, फैक्ट्स अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया इन हिंदी। इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस देखी हैं जिसका टाइटल रहा है व्हाई इज इंडिया ग्रेट और इसमें है व्हाई इज इंडिया सो ग्रेट। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। व्हाई इंडिया इज सो ग्रेट, सुनने में तो ये सिर्फ चंद शब्द ही हैं, लेकिन अगर इनका मतलब निकाला जाए तो शायद कई साल लग जाएंगे सिर्फ यही समझने में कि भारत शुरू से ही इतना महान क्यों है। वो देश जिसने तमाम युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन आज तक किसी भी दूसरे की सरजमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया। वो देश जहां नलों में पानी भले ही देर से आता हो, लेकिन चंद्रमा पर पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही खोजा था। वो देश जहां लोगों के टूथपेस्ट में भले ही नमक कम हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी के खून में देश का नमक जरूर होता है। वो देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वैसे ऊंचाई से मुझे याद आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे ही देश में है, जो कि धर्मशाला में स्थित है। चलिए आपको धर्मशाला से थोड़ा और ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने भले ही विमान का आविष्कार करके दुनिया के सामने एक नायाब चीज जरूर पेश की हो, लेकिन इसको बनाने की विधि हमारे देश के एक महान ऋषि भारद्वाज के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही अपने विमान शास्त्र में लिख दी थी। चलिए वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसने इस पूरी दुनिया को यूएसबी की सौगात दी है? जी हाँ, यूएसबी के इन्वेंटर एक भारतीय ही है जिनका नाम अजय वी भट्ट है। वैसे यूएसबी अमूमन कंप्यूटर्स में ही यूज की जाती है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स बाइनरी कोड की लैंग्वेज को समझता है। अब आप सब बाइनरी कोड की खोज का श्रेय भले ही गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को देते हो, लेकिन वास्तव में इसकी खोज मौर्य काल के एक प्रसिद्ध विद्वान पिंगल ने अपने छंद्र शास्त्र में की थी, और वो भी मिस्टर गॉटफ्राइड से हजारों वर्ष पहले। तो एक तरीके से दुनिया को कंप्यूटर की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही। वैसे अमूमन 70% इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। वैसे इंटरनेट से मुझे याद आया कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला वो देश है जहां सबसे कम दाम पर 4G की फास्ट इंटरनेट सेवा दी जाती है। वैसे फास्ट स्पीड में चलते चलते हम इतना ग्रो कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब इतनी स्पीड की बात हो ही रही है तो हम ब्रह्मोस को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज स्पीड पर चलने वाली मिसाइल है जिसने भारत की सैन्य शक्ति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। वैसे सैन्य शक्ति से मुझे याद आया कि भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और इस सैन्य शक्ति का हर एक सिपाही इस देश के लिए हीरो है। अब हीरो की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया को हीरे की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। ये वो देश है जिस पर जरा सा भी अगर संकट आता है तो हर धर्म का इंसान एकजुट होकर अपनी भारत माता के दूध का कर्ज उतारने के लिए दुश्मन के आगे अपना सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है। वैसे दूध से मुझे याद आया कि भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ये वो देश है जहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यहां की कुछ भाषाएं खड़ी होती हैं तो कुछ भाषाएं मीठी। वैसे मीठे से मुझे याद आया कि दुनिया को मिठाई की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। भारत ने ही सबसे पहले चीनी को साफ करने और उसकी क्रिस्टल बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये वो देश है जहां खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना, एक जज्बात और एक जुनून होता है। तभी तो इस देश ने चेस, लूडो, सांप सीढ़ी, हॉकी, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे महान खेलों को जन्म दिया है। जी हाँ, बहुत से लोग मार्शल आर्ट को चाइना की कला मानते हैं, लेकिन हकीकत में मार्शल आर्ट को भारत के बोधि धर्म के द्वारा चाइना तक पहुंचाया गया था। अब बात अगर इतनी एक्सरसाइज की हो ही रही है तो हम भारत की योग कला को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इस देश की योग कला का लोहा तो पूरे विश्व भर ने माना है,
तभी तो पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि शिक्षा के मामले में भी भारत किसी से कम नहीं है। तभी तो 2800 वर्ष पूर्व भारत के गणितज्ञ के बोधायन ने दुनिया को एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे एडवांस मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स दिए। वैसे मैथमेटिक्स जीरो के बिना यूजलेस है, राइट? और जीरो से मुझे याद आता है कि जीरो का आविष्कार भी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के मामले में भी हम किसी से कम नहीं है। तभी तो टी सीरीज यूट्यूब चैनल इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और बहुत ही कम समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा चैनल भी बन जाएगा। वैसे समय से मुझे याद आता है कि दुनिया को समय की अहमियत सिखाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना ही देश था। तभी तो दुनिया की सबसे पहली धूप से चलने वाली घड़ी भारतीय महलों में ही बनाई गई थी। और इसी के बाद दुनिया को यह भी मालूम पड़ा कि वास्तव में समय नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, ये तो मेरे देश की एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे अपनी जुबान से आप सब लोगों को सुनानी थी। आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एटलीस्ट सब लोगों को ये मालूम पड़ सके कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। जय हिंद। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आज थोड़ी और नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली जो इससे पहले जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं थी मालूम। हम लोगों ने जो पहले वीडियोस देखी थी इसमें से कुछ वीडियो, मतलब ऐसे फैक्ट्स थे जो उसमें भी डिस्कस किए गए थे, बिल्कुल, बट कुछ ऐसे थे जो बहुत नए थे। और ये वीडियो 2019 में बनी थी, इसलिए जो मतलब इकोनॉमी के लिहाज से भी बात की गई, ये उसके लिहाज से की गई, क्योंकि फिर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अभी ये सिचुएशन है, तो इसलिए हम लोग ये चीज क्लियर कर रहे हैं। एनीवे, हम बात सिचुएशंस की अगर बात करें ना, वो तो हर मुल्क में कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, तो उस चीज को इतना ज्यादा नोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में बात की जाए इंडिया की, हाँ, तो मुझे आप कुछ कहने लगे थे ना, इसलिए मैंने आपको कर दिया। भगवान की बात करना चाह रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो सबको पता है कि राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन जैसे कि बताया गया कि विमान किन्होंने मतलब सबसे पहले आइडिया दिया या जैसे लिखा गया, बट मुझे ऐसा लगता था, नहीं मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर शायद ये बोला जाएगा कि क्योंकि रावण के पास भी तो एक था ना उस टाइम। अच्छा, हाँ। तो आई थॉट उस टाइम के लिहाज से शायद मे भी बात की जाए। अब आई डोंट नो कि ये ज्यादा पुराना है कि ये रावण वाला ही जो स्टोरी है वो ज्यादा पुरानी है, वो मुझे नहीं पता। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना इतिहास की, तो इतिहास जो है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतना गहरा है ना कि वो कहते हैं ना कि एड उठाओ तो कोई नई चीज निकल आती है। तो यहाँ पे वही हिसाब है। जैसे अगर हम अभी हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, तो बाइनरी सिस्टम वाकई इतनी देर पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, वो वाकई नहीं था पता। फिर उसके बाद क्लॉक की बात करें, तो मुझे ऐसी तरह याद है पिछले दिन में एक बहुत वीडियो जो है वायरल हुई हुई थी, वो इसी तरह की क्लॉक थी जो टाइम बताती थी। और मेरे एक टीचर थे, वो उन्होंने एक दिन हमसे सवाल पूछा था, मैं 8th या 9th क्लास में था, उन्होंने कहा कि पुराने वक्तों में टाइम कैसे देखते थे, कैसे वक्त का तायुन करते थे, तो हमें तो नहीं था पता। फिर उन्होंने जो है ना हमें ग्राउंड में लेकर गए, उन्होंने जो है ना एक स्टिक पकड़ी और जो है ना वो लगा के ना, धूप तेज थी, अच्छा, लगा के ना हमें एग्जैक्ट टाइम बताया। Really? हाँ, तो हम हैरान हो गए। तो हमने उनसे फिर पूछा, फिर उन्होंने हमें जो सिस्टम बताया कि पुराने वक्तों में इस तरह टाइम जो है वो नोट किया जाता था। क्या शैडो के लिहाज? शैडो के लिहाज से वो तो, बट फिर भी एग्जैक्ट बताना थोड़ा मुश्किल। वैसे मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग था। सीख लेते अपने सर से पूछते कि हमें भी सीख। यार तब हम बच्चे थे, तब हमें उन चीजों में इतना शौक नहीं था। अभी भी तो वो जिंदा ही है। हाँ भाई, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, बहुत अच्छे से हमारे सीखनी चाहिए। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें मतलब टी सीरीज की, अगर बात करें इसके अलावा स्पाइस की बात करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडिया से मिली हैं। और मैं ये बात बोलूंगी कि क्योंकि स्पाइस तो ढूंढता अंग्रेज यहाँ पे पहुंचा था। बिल्कुल, तो प्रॉब्लम आ गई थी। बट ये मैं बात यहाँ पर करना चाहती हूँ कि समटाइम्स ना मुझे काफी ज्यादा एक हैरत होती है सच में। मुझे नहीं पता भाई, कुछ चीजें बिल्कुल मेरे सर से ऊपर चली जाती है, जैसे जीरो को इन्वेंट करना, ठीक है ना, तो मतलब मुझे ये समझ उन्होंने उस टाइम पर ये क्या सोच के इन्वेंट किया होगा, कैसे इन्वेंट किया होगा, उसकी इम्पोर्टेंस उनको कैसे पता चली।
करनी होगी। वैसे एक बात है, जीरो की इतनी ज्यादा वैल्यू है ना कि उसके बगैर वाकई काउंटिंग पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप एक दो हिस्सा, वैसे काउंटिंग ऐसी कि इसके कोई भी वर्ड हो तो नहीं पूरा सकता। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ, जो कि हम लोग जब भी ऐसी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग जरूर करते हैं कि भाई ये सब हमारा भी है, क्योंकि एक टाइम पर हम सब साथ, जब ये चीजें हुई थी ना तब हम साथ थे, हमारे पूरे सारे साथ में थे। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि हमें भी उतना ही गर्व होता है ये चीजें जानकर। बस कमी यहाँ पे आती है कि इंडिया की जो बात की जाए तो उनकी रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तानी जो है उनकी बात की जाए, जो जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना रिसर्च वर्क नहीं करते हिस्ट्री को, इतिहास को लेकर। अलहदा चीज है, अगर मैं बात करूँ ना इस टॉपिक के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें उनके अपनी हैं और उनको इस पर प्राइड लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप में ना सबसे पहले बहुत ज्यादा आप में ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि भाई कि ये सब हमारा इकट्ठा रहा है एक टाइम पर, और इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जब सारी चीजें इकट्ठी रही हैं, ऑल्दो अभी आकर तो लड़ाई की चीज भी है, अलहदा हो गए हैं, बट फिर भी जो चीजें हमारी इकट्ठी रही हैं उसको तो एटलीस्ट एक्नॉलेज करो और समझो और उस पर प्राउड फील करो कि ये अचीवमेंट्स हमारे दोनों देश के लोगों की इकट्ठी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये फिर अगेन मैं बात करूंगी कि मैं बहुत सारे लोगों में ये चीज देखती हूँ कि अब आकर लोगों को काफी पता चल चुका है, और उसकी रीजन सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी ये जो रिएक्शन वीडियोस हम बनाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद ये बेकार का काम है, बट मैं ये बोलूंगी कि ये एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मैं बता नहीं सकती कि लोगों को कितना ज्यादा इन्होंने नॉलेज दी है इन वीडियोस के थ्रू, और उसमें हम भी शामिल है। मैं ऐसे ही बात करूँ, क्यों मौजूद, नो डाउट, हकीकत है। हाँ, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ क्योंकि आए दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, ऐसी चीजें जो हमने जिंदगी में कभी सोची ना हो वो हमें जानने को मिलती है कि हाँ भाई ये चीजें भी हो चुकी हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मौसम कि हम लोग काफी टाइम से थोड़ा सा ना एक गफलत में थे कि हमें चीजों का पता ही नहीं था, लेकिन अब आकर हम लोग को चीजों का पता लग सही बात है। जब आप जानते हैं ना दुनिया के बारे में, वो वाली फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है सीरियसली उन लोगों से। मतलब हम लोग अपना ही एनालिसिस करें, एक टाइम जब हम लोग को चीजों का आइडिया नहीं होता था और एक टाइम जब हमें चीजों का पता चलना शुरू हो गया, तो ये वाली फीलिंग बहुत प्रेशियस है कि आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वेल, काफी मजा आया, और अब बहुत सारे लोग मतलब ये भी कहेंगे सॉरी बजाते जाते कि भाई आप खुद पढ़ लिया करें। भाई कुछ लोगों का शौक होता है, देखें, देखें, है। मेरी बात सुने, पढ़ता भी इंसान तब है जब उसे नॉलेज हो। हाँ, लेकिन पता नहीं, ठीक है ना, थोड़ी सी हाउ नाउ हो, जब एक चीज की हाउ नाउ ही जो भी है, नाउ हाउ या हाउ नाउ जो भी है, जब वो है ही नहीं तो फिर बंदा पढ़ेगा कहाँ से। नहीं, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों का शौक होता है रीडिंग करना, मेरा शौक रीडिंग नहीं है, मेरा शौक है वीडियोस देखकर उससे नॉलेज ग्रैब करना, मैं कह सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये अपने अपने शौक पे डिपेंड करता है। तो अभी हम आपसे चाहेंगे इजाजत, आप क्या सोचते इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और रखें हमें अपनी दुआ में याद, हमारी वीडियोस लाइक, हमारे चैनल, गुड बाय।